क्या कहेंगे गुजरात में आप स्टार प्रचार करने के लिए, आज दूसरी सभा है आपकी, क्या पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ गुजरात के सौराष्ट्र के मतदारों के चेहरे पे? देखिए बहुत उत्साह सारे मतदाताओं में है और मोदी जी के प्रति एक बहुत विश्वास और प्रेम मुझे दिखाई पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में एक अभूतपूर्व इस प्रकार का विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। लोगों ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ जाना। सर राहुल गांधी का जो सावरकर पर बयान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी नासमझ है, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं बचकानी बात है। वो जिस प्रकार के लेटर दिखाते हैं ऐसे लेटर महात्मा गांधी जी के भी है, लोगों ने कल ही प्रकाशित किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी नेहरू परिवार छोड़कर राष्ट्र के सम्मान चिन्हों को अपमानित करना ये राहुल गांधी की नीति रही है। न वो सावरकर जी को मानते हैं, न वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, न वो सरदार पटेल को मानते हैं। इन सबको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो केवल एक ही नेता। सर इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में मैदान में है, तो आपने अभी बोला कि झूठ की ओलंपिक रखी जाए तो उसमें आम आदमी पार्टी सच बात है, रोज झूठ बोलते हैं, कुछ भी वादे करते हैं, लेकिन आपने सही कहा वो मैदान में है लेकिन मुकाबले में नहीं है।